अरेबिक मजलिस, सोफ़ा, कर्टन, और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें, जैसे इनके टेबल्स होते हैं और इसके अलावा कालीन, वुड फ्लोरिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके ऊपर जो कपड़े का काम हुआ है ये प्योर मलाई वेलवेट है, टर्किश वेलवेट कहलाता है, जिसकी कपड़े की लाइफ टाइम गारंटी होगी। और इसमें जो एसेस यूज़ हुआ है ये 22 गेज का एसेस है, इसकी भी हमारी गारंटी होती है। पॉलिश में फ़र्क आ जाए, जंग लग जाए या कोई और मसला आ जाए, इन चीज़ों की भी हमारी गारंटी होती है। मजलिस के साथ जो जो चीज़ें हैं दानिश भाई, उन सब चीज़ों का इंटीरियर का कंप्लीट ए टू जेड हमारा काम है। फ्रेम्स का भी हमारा काम होता है, एसएस फ्रेम का, जैसे कि हमने यहाँ पर ये डिस्प्ले लगाए हैं छोटे छोटे, इसका भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम होता है। और ये किसी भी साइज़ में आप हमसे बनवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मेट्रोविल में। मैंने आपके लिए एक ऐसी शॉप निकाली है जहाँ पे जो अरबिक मजलिस वग़ैरह, जो अरबिक जो फर्नीचर है उसकी कंप्लीट यहाँ पे है ना वैरायटीज़ होती है। तो ये कराची में पूरे पाकिस्तान में बल्कि चंद ही लोग जो इस पे काम करते हैं, तो क्या क्या वैरायटीज़ होती है इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। अरबिक मजलिस जो इसमें जो है ख़ास है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नुमान, इससे इनसे जानेंगे सारी डिटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है नुमान, अल्लाह करम, अल्लाह आप सुनाए जाने। शुक्र अल्लाह पाक का। तो भाई सबसे पहले ये बताओगे क्या क्या वैराइटीज़ आपके पास, किन चीज़ों में डील कर रहे हैं आप? वैराइटीज़ जो है दानिश भाई, इनमें हमारे पास इंटीरियर की जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैराइटीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। जिसमें आपको अरेबिक मजलिस, सोफ़ा, कर्टन, और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें, जैसे इनके टेबल्स होते हैं और इसके अलावा कालीन, वुड फ्लोरिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक हो गया, तो हम टाइम जाया करें बगैर आपको सारी वैरायटी दिखाते हैं। और नुमान यहाँ का एड्रेस भी गाइड कर दो किसी ना आना हो तो। एड्रेस जो है दानिश भाई हमारा बहुत ही इजी एड्रेस है, मेन मेट्रोवेल पे जो है पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने हमारी शॉप है, गोल्डन फर्नीचर के नाम से। ठीक है, यानी कि मेट्रोविल साइड एरिया जो पुलिस स्टेशन है उसी से आप आगे आते हैं तो ये पोस्ट ऑफिस है उसके सामने इनकी, किस जी नाम से? पोस्ट ऑफिस के सामने भी है, और दूसरा ये मेट्रोवेल में आप किसी से भी पूछेंगे, यहाँ पर हमारे बिल्कुल शोरूम के बराबर में एक जिम है उसका, बिल्कुल और वो सबसे मशहूर जिम है मेट्रोवेल का, हब जिम के नाम से। उसके एड्रेस पे भी आप आएंगे तो आपको जो इजीली हमारा शॉप मिल जाएगा, बिल्कुल उसके बराबर में हमारी शॉप है। इजी है। उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपका पिन लोकेशन भी जो है ना उसमें दे दूंगा ताकि आपको और आसानी हो जाए। तो फिर हम जो है जानते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। नुमान ये भी बता देंगे ऑनलाइन वगैरह भी आप डील कर लेंगे? जी ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है दानिश भाई, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा काम जो है वो ऑनलाइन पे है। ऑनलाइन वॉकिंग पे कस्टमर के साथ हमारा बहुत ही कम काम है, क्योंकि हम मार्केट्स में तो बैठे हुए नहीं है जहाँ पर कस्टमर आए, तो हमारा ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन काम है, मतलब ये कि किसी ने भी वीडियो देख के आपको ऑर्डर कर दें और कहीं पे बुला लें विजिट के लिए तो आप चले जी आएंगे? जी हाँ बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में जो है कहीं पे भी आप हमें बुला सकते हैं, हम इंशाल्लाह आएंगे साइज़ मेजरमेंट सारी चीज़ों के लिए। ठीक और है, इसके अलावा जो आउट ऑफ कंट्री भी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्डर जाते रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हमारा काम होता है, ठीक हो गया, यानी कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में पूरे कहीं पे भी पाकिस्तान आप में कर अल्हम्दुलिल्लाह देंगे, हमारा काम होता है दानिश होता भाई। है। ठीक और इसके अलावा जो है हमारे चैनल्स पे भी है, टिकटॉक और फेसबुक पर भी हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं, ठीक वहाँ है, पर भी जो है आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी सारी वीडियोस जो है, जो जो इंटीरियर के हवाले से हमारे पास वैरायटीज होती है वो ठीक सारी है। आपको तो वो वहाँ पर किन नाम मिलेगी। से बनाया हुआ तुमने? गोल्डन फर्नीचर 7 के नाम से जो है हमारे पेज है, फेसबुक पे भी हमारा पेज है इस नाम से, और इसके अलावा टिकटॉक अकाउंट भी है हमारा। ठीक हो गया, तो फिर दिखाएं कौन कौन सी वैरायटी है तुम लोगों के पास? वैरायटीज़ में जो है जैसे कि आप देख सकते हैं दानिश भाई, सबसे पहले जो है हमारे पास, मैं आपको ये चीज़ आर्टिकल दिखा रहा हूँ, अरेबिक मजलिस है इसमें। ये अरेबिक मजलिस में जो है आपको मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइंस, मुख्तलिफ कलर स्कीम जो है आपको ये मिलेंगे हमारे पास, और इनमें मुख्तलिफ तरह की क्वालिटीज़ होती है दानिश भाई। अच्छा ये ठीक जितने है, भी आप इस वक्त डिस्प्ले में आप हमारे पास देख रहे हैं, ये आपको लगने में जो है आपको सेम एक ही चीज़ लगेगी, लेकिन ये क्वालिटी वाइज इन सब में फ़र्क है। फर्क है, ठीक किसी है। में कपड़े का फ़र्क होता है, किसी में जो गोल्डन वर्क एसेस का काम होता है इन चीज़ का फ़र्क होता है, इसके अलावा जो है फॉर्म का फ़र्क होता है, काफ़ी सारी चीज़ों का अलग अलग फ़र्क होता है इनमें। अच्छा ठीक हो गया। बाकी ये जो सोफ़ा सेट वगैरह इस तरह की बनाते हैं आप? और जी हाँ, और इसके अलावा जो है ये आप सोफ़ा देख सकते हैं दानिश भाई, सोफ़े की भी जो है सारी वैरायटीज़ हमारे पास मिलेगी। इनमें ये चंद डिज़ाइन हमने डिस्प्ले के तौर पे यहाँ पर लगाए हैं, बाकी डिज़ाइन इसमें आपको मुख्तलिफ तरह के काफ़ी सारे डिज़ाइन हमारे पास मिलेंगे, ठीक हो जिसमें गया। आपको लेज़र वर्क में भी जो है अगर आपको सोफ़ा चाहिए, लेज़र कटिंग में भी आपको जो है सोफ़ा मिलेगा। इसके अलावा एसेस पे जो है अगर आपको काम करवाना है, जैसे आप अगर देख रहे हैं तो इसमें इन सोफ़ा फर्नीचर में हमारा दोनों काम हुआ है, इसमें लेज़र का कटिंग भी हमने करवाया है, जो आप टफ्टिंग का काम देख रहे हैं ये सारा लेज़र कटिंग का काम है,
और इसके अलावा जो गोल्डन वर्क आप जितना भी देख रहे हैं ये प्योर एसएस का काम है। अच्छा, एसएस का काम है, ठीक हुई है। कौन कौन से डिज़ाइन है, क्या है, इनके प्राइस वगैरह का भी थोड़ा आइडिया दे रहे हैं व्यूअर्स को। प्राइस जो है दानिश भाई, इनके अलग अलग प्राइस है, फिक्स प्राइस हमारे ये से है नहीं, क्योंकि इनमें क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सही है, कस्टमर की चॉइस होती है, जैसे वो क्वालिटी पसंद करते हैं, जैसे वो मटेरियल पसंद करते हैं, उस हिसाब से उनके रेट्स बनते हैं। रेट बनते लेकिन इनमें एक नॉर्मली जो है मैं आपको बता रहा हूँ दानिश भाई, कि इनमें कम से कम अरेबिक मजलिस में जो है डिज़ाइन तो आपकी चॉइस होती है, डिज़ाइन आप कोई भी पसंद कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते डिज़ाइन के, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज जो है रेट्स में फ़र्क होता है दानिश भाई, और इनमें क्वालिटी वाइज जो है हमारा कम से कम जो है इसमें स्टार्ट जो है वो 3,000 रुपये से रनिंग फिट से स्टार्ट होता है। 3,000 स्टार्टिंग प्राइस है। जी हाँ बिल्कुल, 3,000 रुपये से इसमें हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें सिर्फ ये बैक होता है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये पोर्शन होता है, और ये 3,000 रुपये रनिंग फिट हम बनाते हैं स्टार्ट प्राइस से। अच्छा ठीक है। लेकिन 3,000 में ये आपको मैं एक नॉर्मल क्वालिटी में बता रहा हूँ, जिसमें सारी चीज़ें जो जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है वो नॉर्मल दरमियानी क्वालिटी का होता है, नॉर्मल वेलवेट होता है, नॉर्मल एसिस होगा, इसके अलावा बैक फ्रेम जो बनता है वो नॉर्मल क्वालिटी में बनता है। ठीक हो गया। और बाकी आप इनसे हैवी क्वालिटीज़ पे अगर आप जाते हैं दानिश भाई, तो इनमें 3,000 से लेके 6,500 रुपये तक जो है रनिंग फिट बनता है, जैसे क्वालिटी होती है वैसे उसके रेट्स होते हैं। जैसे मैं इन्हीं में आपको दिखा देता हूँ दानिश भाई, अब जैसे आपने ये कुछ पीसेस हमारे देखें, ब्राउन पॉलिश, ब्राउन कलर है, प्लस ब्लू कलर है और रेड कलर है, ये जो क्वालिटीज़ है ये हैवी क्वालिटी में है दानिश भाई। अच्छा ठीक है। इसके ऊपर जो कपड़े का काम हुआ है ये प्योर मलाई वेलवेट है, टर्किश वेलवेट कहलाता है, जिसकी कपड़े की लाइफ टाइम गारंटी होगी, और इसमें जो एसिस यूज़ हुआ है ये 22 गेज का एसिस है, इसकी भी हमारी गारंटी होती है, पॉलिश में फ़र्क आ जाए, जंग लग जाए या कोई और मसला आ जाए, इन चीज़ों की भी हमारी गारंटी होती है। अच्छा, और इसके अलावा इसका बैक फ्रेम, जिसमें फ्रेम में जो क्वालिटी यूज़ होती है, जो इसमें हार्डवुड यूज़ होता है, वो 16 गेज का है, 16 mm की क्वालिटी का यूज़ होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद से जो है ये वाला जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये भी सेम वही क्वालिटी है जो इससे पहले आपको मैंने दिखाई, जो जो क्वालिटी वाइज आपको मैंने बताया है कपड़े के हवाले से, एसेस के हवाले से, फॉर्म के हवाले से, ये सेम क्वालिटी है। इसके बाद से जो है हम इस क्वालिटी पे आ जाते हैं दानिश भाई, अब ये भी आपको दिखने में आपको सेम ही चीज़ लग रही होगी, सेम क्वालिटी, लेकिन ये सेम क्वालिटी नहीं, इनमें फ़र्क है दानिश भाई। अच्छा, इसमें ये जो क्वालिटी, जो कपड़ा यूज़ हुआ है ये नॉर्मल चाइना वेलवेट है, अक्सर लोग बताते हैं टर्किश वेलवेट के नाम से, लेकिन ये नॉर्मल चाइना वेलवेट इसमें यूज़ हुआ है। और इसके अलावा एसेस जो इसमें यूज़ हुआ है ये 28 गेज का एसेस है, 22 गेज का एसेस नहीं, 28 गेज नॉर्मल क्वालिटी का एसेस यूज़ हुआ है। इस हिसाब से इसमें फॉर्म जो यूज़ हुआ है वो भी नॉर्मल क्वालिटी का है, बैक इसमें जो मटेरियल फ्रेम में जो जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी नॉर्मल क्वालिटी का है। इनके प्राइस कम होते हैं, यानी जो आपको 3,000 रुपये जो आपको मैंने रेट्स बताए हैं दानिश भाई, उनमें आपको ये क्वालिटी मिलेगी जो आपको हमने अभी बताई है, ठीक है, नॉर्मल क्वालिटी में। यानी अब जैसे ये रखे हैं सीट वाले, जो बैक टैग होता है ज़्यादातर कस्टमर इस चीज़ की डिमांड करते हैं और ये पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्लस इसके साथ आप फॉर्म भी बनाए नीचे के लिए, क्योंकि अरेबिक मजलिस के साथ जो है ज़्यादातर लोग कालीन जो है लगाना पसंद करते हैं, कालीन बिछता है, प्लस उसके साथ साइड्स पे जो है मजलिस जो है उसकी सेटिंग की जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्म बनाए, बाकी वो कस्टमर की चॉइस होती है। अगर कोई दोनों ऑप्शन हैं। जी हाँ, दोनों ऑप्शन होते हैं, 2-3 ऑप्शन होते हैं। ये जो है ये मराइकी कहलाता है, इसे दानिश भाई ये साइड टैग होता है, इनमें भी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की क्वालिटीज आपको मिलेगी। इसमें सबसे पहले ये वाला जो आप आर्टिकल देख रहे हैं ये फैंसी में आता है, इसके लिए अलग से जो है सबसे पहले ये हमारा फ्रेम बनता है, इसका ये पूरा आप देख रहे हैं ये वुड में इसका पूरा फ्रेम बना हुआ है, प्लस इसके ऊपर जो है ये कम्प्लीट 22 गेज एसेस का काम हुआ है, और इसके अलावा जो है इसके सेंट्रल पोर्शन जो है ये अलग से, ये इससे बिल्कुल अलग पोर्शन होता है, यानी ये इसका पूरा कवर बना हुआ है, ये फैंसी कहलाता है। जी सही। और ये सेंटर में हमने साइड स्पेस के साथ ज़रा सा छोटा पोर्शन दिया है टेबल के मुताबिक, जैसे कि अगर आप कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो आप इस पे रख सकते हैं, कोई कप रखना चाहते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, कप, ग्लास, प्लेट्स वगैरह, अगर आप कोई चीज़ रखना चाहते हैं गेस्ट के लिए या अपने लिए तो आप रख सकते हैं। सही। और उसके बाद इसी में जो है मैं आपको एक दूसरा आर्टिकल दिखा देता हूँ दानिश भाई, इसमें ये फैंसी में जो है हमारी मराइकी है, और उसके बाद जो है प्लस इसमें आ जाते हैं हमारी ये सादी मराई की, इसमें कोई कवर वगैरह का काम नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा फैंसी काम होता है, ये नॉर्मल मराई की कहलाता है दानिश भाई। अच्छा जी हाँ, इसमें सिर्फ फ्रंट पे जो है हमारा यहाँ पर लेज़र का जो है लेज़र कटिंग डेमो बनती है, और बाकी ये कम्प्लीट आप जितना भी काम देख रहे हैं आगे पीछे ये सारा फॉर्म का और कपड़े का काम होता है। तो इसके क्या
पीस का हिसाब होता है, क्या होता है ये? जी हाँ, ये पीस का हिसाब होता है दानिश भाई। इसमें अगर आप वही जैसे आपको पहले बताया क्वालिटी के ऊपर बात होती है दानिश भाई, बिल्कुल जैसे क्वालिटी होती है वैसे उसके रेट होते हैं। लेकिन आपको मैं एक नॉर्मल रेट बता देता हूँ, जिससे पहले आपको मैंने फैंसी जो आपको मराई की हमने दिखाई है ये अगर आप बनाते हैं तो इसकी एक नॉर्मल रेट जो है वो कम से कम 3,500 रुपये से स्टार्ट है दानिश भाई। 3,500 रुपये ये पर पीस बनता है, पर पीस। बाकी क्वालिटी वाइज के ऊपर होता है, अगर आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं तो रेट्स बढ़ जाते हैं, इससे भी नॉर्मल क्वालिटी में आप बनाना चाहते रेट्स कम हो जाते हैं, तो ये पर पीस का हिसाब होता है। इसके साथ प्लस ये सेंटर टेबल भी जो है हमारा बनता है दानिश भाई, ये तो हमारा एक सिंपल सा हमने यहाँ रखा हुआ है, वैसे ये कम्प्लीट फैंसी बनता है। इसके यहाँ साइडों पे जो है कंप्लीट एसेस का काम होता है, सही है। और ये जो सेंटर आप पोर्शन देख रहे हैं इस पे भी कंप्लीट एसेस वर्क होता है, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है ये फिर हमारे छोटे टेबल्स आ जाते हैं दानिश भाई, ये भी कंप्लीट फैंसी टेबल्स हैं, ये सारा एसेस का काम है दानिश भाई। इसमें सबसे पहले वुड फ्रेम बनता है, प्लस उसके ऊपर जो है फॉर्म और कपड़े का काम होता है, उसके बाद से जो है इसके ऊपर कंप्लीट, अगर आप दिखा सकते हैं वीडियो में, तो ये कंप्लीट एसेस का सारा काम होता है। सही बात है। और ये मटेरियल आप जितना भी आप देख रहे हैं दानिश भाई, ये ओरिजिनल 100% स्टील है और 22 गेज का एसेस लगा हुआ है। अच्छा, ये ब्लैक नहीं पड़ेगा? जी जी बिल्कुल ओरिजिनल। तो ये टेबल्स का जो हिसाब होता है ये? और टेबल्स जो है दानिश भाई ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो कस्टमर की चॉइस होती है कि वो किस साइज़ में टेबल्स बनवाना चाहते हैं। लेकिन वैसे इनकी हमारी कैलकुलेशंस जो होती है वो स्क्वायर फिट के हिसाब से हम करते हैं। ये तकरीबन नॉर्मल क्वालिटी में अगर आप बनाते हैं तकरीबन आपको 1200 से लेके 1400 रुपये तक जो है आपको स्क्वायर फिट मिलता है टेबल्स। डिज़ाइन आपकी मर्जी होती है, डिज़ाइनिंग में काफ़ी सारे हमारे पास डिज़ाइन, आप कोई भी बना सकते हैं। अच्छा, बाकी क्वालिटी वाइज के ऊपर बात होती है। पर ये एक डिस्प्ले हुआ आपका, ये कर्टन वगैरह है पूरा सेट? जी हाँ, प्लस इसके साथ जो है ये कर्टन भी है, जैसे कि अगर आपको मैं ये दिखा रहा हूँ दानिश भाई, ये भी जो है सेम अरेबिक मजलिस के साथ ही बनता है। जैसे कि मिसाल आप जो भी डैमो या जो भी डिज़ाइन मजलिस में बनाते हैं सेम एज इट इज़ वही डिज़ाइन जो है आप कर्टन में भी बना सकते हैं। तो इसका भी काम है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी हमारा काम है। मजलिस के साथ जैसे आपको मैंने पहले बताया, इसके साथ रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं दानिश भाई, उन सब चीज़ों का इंटीरियर का कम्प्लीट ए टू जेड हमारा काम है। ठीक हो गया। और ये सामने इस तरह के भी पीस रखे हैं जी? और इसके अलावा जो है इन फ्रेम्स का भी हमारा काम होता है, एसएस फ्रेम का, जैसे कि हमने यहाँ पर ये डिस्प्ले लगाए हैं छोटे छोटे, इसका भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम होता है। और ये किसी भी साइज़ में आप हमसे बनवा सकते हैं, किसी भी साइज़ में कुछ भी बनवा सकते हैं? जी हाँ, जो साइज़ आप कहेंगे या जो जिस साइज़ के कस्टमर हमसे डिमांड करता है ये उस साइज़ में हम बनाते हैं। लेकिन ये यहाँ हमने डिस्प्ले जो लगाई है दानिश भाई, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ में जो हमारा फ्रेम बनता है ये उसकी डिस्प्ले हमने लगाई है, बाकी कस्टमर की चॉइस होती है, वो जितने बड़े साइज छोटे साइज में बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई भी आयत वगैरह भी लिखवा सकते हैं कुछ? जी हाँ बिल्कुल जी, आप आयत भी लिखवा सकते हैं। इसके अलावा जो है इससे बड़े साइज में जो हमारे फ्रेम होते हैं वो आयतुल कुर्सी में हम बनाते हैं, वो बड़े साइज़ में बनते हैं दानिश भाई। उनका साइज़ तकरीबन जो है 4.5 फिट जो है विड्थ होती है और 8 फिट लेंथ में भी जो है वो हम पूरा एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं, और उसमें आप कोई भी आयत जो है कोई भी कलमा कुछ भी आप लिखवा सकते हैं। तो इसके क्या वैसे स्क्वायर फिट होता है? ये जो हमारी क्वालिटी बनी हुई है सेम एज इट इज़, अगर इसी क्वालिटी में आप बनाना चाहते हैं, ये बेस्ट क्वालिटी में बना हुआ है दानिश भाई, ये 1500 रुपये स्क्वायर फिट बनता है दानिश भाई। ठीक है, सेम क्वालिटी। ये फ्रेम के साथ होगा ना? जी हाँ, कंप्लीट सेम एज इट इज़ जो आप देख रहे हैं, एसएस कवर के इसमें सारा, और पीछे जो है वेलवेट का काम भी हुआ हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें ये जो हमारा एसएस यूज हुआ है ये 22 गेज का एसएस इसमें यूज हुआ है दानिश भाई, प्लस इसके साथ जो है ये कम्प्लीट मैट वेलवेट का काम हुआ है, सही है, टर्किश का। और इसके अलावा जो ये कम्प्लीट वर्साची साइड बॉर्डर बने हुए हैं इसके ऊपर, और इसके अलावा जो है दानिश भाई वॉल टफ्टिंग का भी हमारा काम है, दीवार के ऊपर जो टफ्टिंग का काम किया जाता है फॉर्म का, जैसे कि ये हमने एक छोटी सी हमने डिस्प्ले बनाई है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वॉल टफ्टिंग का काम है दानिश भाई। ये पूरी दीवार के ऊपर जो है कंप्लीट फॉर्म वर्क का और एसएस वर्क का काम होता है। अच्छा ठीक है, ये भी स्क्वायर फीट के हिसाब से? जी हाँ, इसकी भी स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन होती है दानिश भाई, लेकिन इसमें भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी पसंद करते हैं, कौन सी क्वालिटी आप चाह रहे हैं। लेकिन इनमें स्टार्टिंग जो है वो तकरीबन 800 रुपये स्क्वायर फीट से क्वालिटी स्टार्ट होती है, 1500 रुपये तक स्क्वायर फिट आपको क्वालिटी इस चीज़ में मिलेगी। ठीक, उसमें ये होता है कि इसमें कपड़े का फ़र्क होता है दानिश भाई, इसके अलावा एसेस यानी ए टू जेड जो जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है उन सब चीज़ों का फ़र्क होता है। ठीक हो गया, क्वालिटी के साथ ही है प्राइस भी ऊपर नीचे होंगे। और इसके अलावा जो है दानिश भाई एक हमारा ये आर्टिकल जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, ये फिर सादे नॉर्मल मजलिस में आता है,
जिसमें यानी कि एसेस या बॉक्स फ्रेम वगैरह इन किसी चीज़ का काम नहीं होता है, ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्म वर्क में बनता है। इसमें आप जितने भी आप देख रही है, ये सारा ए टू जेड फॉर्म का काम है। अच्छा, बैक साइड पे जो इसमें कंप्लीट मल्टी फॉर्म का काम हुआ है, और प्लस इसके ऊपर जो है ये क्विल्टिंग का काम हुआ है, और लेज़र कटिंग की जो है इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई बंच बना हुआ है। सही है। ये जितना भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा हाथ का बना हुआ काम है दानिश भाई। स्टेपलर नहीं है, सही है। कोई स्टेपलर वगैरह इन चीज़ों का हम काम नहीं करते, सारा हैंड वर्क है। इस हिसाब से जो है इनकी क्वालिटी वाइज जो है लाइफ भी अच्छी होती है और क्वालिटी भी बेस्ट होती है, और एक लॉन्ग टाइम तक जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सादा मजलिस कहलाता है दानिश भाई। तो सादा मजलिस जो है क्या रनिंग फिट होता है? और इसके जो है दानिश भाई फिट के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊँ तो ये तकरीबन हमारा फिट बनता है 3,500 रुपये, ये हमारा फिट बनता है प्लस फॉर्म के साथ। नीचे जो इसके साथ बिछाना है, क्योंकि इस मजलिस के साथ ज़रूरी होता है नीचे का कि आप फॉर्म इसके साथ नीचे बिछाएं। अच्छा, 3,500 रुपये जो है आपको नीचे के फॉर्म के साथ ये पड़ेगा? जी हाँ, 3,500 रुपये आपको बैक टैग और नीचे फॉर्म दोनों जो है आपको रनिंग फिट पड़ेगा दानिश। रनिंग फिट पड़ेगा जी। तो इसमें भी काफ़ी डिज़ाइनिंग? जी हाँ, इसमें ये तो आपको मैंने सैम्पल के तौर पर एक पीस हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है। डिज़ाइन इसमें आपको जो है काफ़ी सारे मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइंस मिलेंगे, मिल जाएंगे, सब में मिल जाएंगे। जी हाँ, जितने भी डिज़ाइंस पड़े हुए इन सब में जो है हमारे पास भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस है जो हमारे अपने बने हुए हैं, और इसके अलावा कस्टमर्स के पास अगर कोई अपने डिज़ाइंस है वो बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। कराची में जो नॉर्मल सोफ़ा फर्नीचर यूज़ होता है उसका जो काम है, उस काम में और इस काम में बहुत फ़र्क होता है दानिश भाई। हमारे यहाँ जो ये फर्नीचर आपको दिखाया है, जैसे कि अरेबिक मजलिस हो गया या जो आपको मैं सोफ़ा दिखा रहा हूँ, जितने भी आप काम देख रहे हैं, सबसे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखा दूँ दानिश भाई, ये जो टफ्टिंग का काम आप देख रहे हैं, ये कम्प्लीट इसमें ये हर पीस जो है ये अलग अलग है दानिश भाई। ये पूरे फॉर्म में वन पीस में नहीं बना हुआ है, ये हर पीस अलग अलग से जो है पहले टफ्टिंग की जाती है, उसके बाद से जो है फ्रेम के ऊपर इसे प्रेस किया जाता है। अच्छा, ये अलग अलग पीस है, एक पीस में नहीं बना ये हुआ? एक पीस में नहीं है दानिश भाई, ये सारे आप जितने भी छोटे बड़े जो जो पोर्शंस आप देख रहे हो टफ्टिंग का काम जितना भी हुआ है, चाहे इस सोफे में है हो या जो जैसे आपको हमने मजलिस में दिखाया है, ये सारे अलग अलग पीस बनते हैं दानिश भाई। अच्छा, अलग अलग पीस बन के उसके बाद साइज मेजरमेंट के मुताबिक जो है जो इसका फ्रेम होता है उसके ऊपर इसे प्रेस किया जाता है, उसके बाद से जो है लास्ट में हमारा एसएस वर्क होता है, एसएस काम होता है। ये एसएस लगा हुआ सारा? जी हाँ, ये कंप्लीट ओरिजिनल 22 गेज का एसएस लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है सिर्फ एसएस में आपको कम से कम 10 से 12 किस्म की क्वालिटी आपको मिलेगी। अच्छा ठीक, जो 20 गेज से स्टार्ट होती है, तकरीबन 35 गेज तक की क्वालिटीज हमारे पास एसएस में मौजूद है। सबसे पहले जो है ये क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये भी स्टील शीट ही बना हुआ है दानिश भाई, एसएस है, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क है। ये 28 गेज का है दानिश भाई, ये भी 100% प्योर एसएस है, लेकिन ये सबसे बेस्ट क्वालिटी जो एसएस में आती है वो है ये 20 गेज का एसएस कहलाता है ये। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बैग भी आपको मैं इसकी दिखा सकता हूँ, और इन चीज़ों की जो है गारंटी होती है दानिश भाई, और ये 22 गेज का एसएस कहलाता है दानिश भाई। ये 22 गेज का एसएस है दानिश भाई। ये जितने भी आपको मैंने ज़्यादातर डिस्प्ले दिखाया है इसमें हमने यही क्वालिटी यूज़ की है, 22 गेज का ही हमने एसएस यूज़ किया है। नॉर्मल क्वालिटी में जो आपको मैंने रेट्स बताया उसमें ये चीज़ें यूज़ की जाती है जी। ये चाइना वेलवेट कहलाता है, 18 ग्रेड का बना हुआ कपड़ा है जी। इसमें आपको मुख्तलिफ तरह के कलर्स, मुख्तलिफ डिज़ाइन आपको मिलेंगे। इसमें प्लेन वेलवेट भी आपको मिलता है, और इसके अलावा टेक्सचर्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं जी। ये जितने भी आपको कलर सीम जो मैं इस वक्त क्वालिटी दिखा रहा हूँ दानिश भाई, ये नॉर्मल में है, जो आपको जो है 3,500 की रेंज तक जो है आपको ये क्वालिटी मिलती है। इससे पहले जो आपको हमने दिखाया है वो प्लेन वेलवेट में था, और ये जितने भी आपको हम दिखा रहे हैं ये टेक्सचर वेलवेट में। कोई कस्टमर अक्सर कस्टमर्स की डिमांड होती है कि उनको ज़रा सा जो है लाइट प्रिंट चाहिए, टेक्सचर टाइप या जिगजैग टाइप, तो वो इन चीज़ों को भी पसंद कर सकते हैं। और इसमें भी आपको जो है काफ़ी सारे मुख्तलिफ तरह के कलर्स, मुख्तलिफ डिज़ाइंस मिलेंगे। ये सारे इनके कलर्स डिज़ाइंस हैं। ये फिर हैवी क्वालिटी में आते हैं दानिश भाई, ये जितना भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारा टर्किश वेलवेट है, और इन चीज़ों की लाइफ टाइम गारंटी है। अच्छा, लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगी? हाँ, कंपनी की तरफ से भी इन चीज़ की गारंटी होती है, और हमारी तरफ से भी गारंटी होती है। और इसके अलावा जो है कस्टमर लगाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले इस चीज़ को जो है वॉश करके चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह का फ़र्क आए, रंग, छिलिंग बोर या कोई और मसला आए तो हमें कंप्लेन भी कर सकते हैं, और रेडी चीज़ वो हमें रिटर्न कर सकते हैं। इन चीज़ों की हमारी गारंटी होती है दानिश भाई। ठीक हो गया। इसमें आपको जो है ये बुक आपको मिलेगी, तकरीबन इनमें आपको हर बुक में जो है 55 से 60 कलर्स आपको हर कलर्स में मिलेंगे। ये आगे इसके अलावा हमारा एक बुक दानिश भाई, इनमें भी आपको काफ़ी सारे मुख्तलिफ कलर्स मिलेंगे, मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। ये भी मैट वेलवेट में कहलाता है, जो सबसे हैवी क्वालिटी का वेलवेट आता है वो फिर हमारी ये बुक है दानिश भाई।
ये है जिसमें आपको कम से कम जो है आपको 100 कलर्स इसमें आपको मिलते हैं दानिश भाई, और इन कपड़ों की भी जो है लाइफ टाइम कलर, रंग, शिलिंगपुर, इन चीज़ों की गारंटी होती है। ये सारा टर्किश वेलवेट है, और ये वाले जो आपको मैं जितने भी बुक्स दिखा रहा हूँ ये सारी नर्सरी की जितने भी बड़ी बड़ी शोरूम से ये उनकी बुक्स में आपको दिखा रहा हूँ। ये मैसमोटैक्स का बुक है, नर्सरी में बहुत बड़ी शोरूम है, आप पूछ भी सकते हैं। ये इनकी बुक आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आपको दो तरह के जो है प्रिंट्स मिलते हैं दानिश भाई। इसमें आपको जो है एक सबसे पहले ये टेक्चर आपको मिलता है, ये भी वेलवेट पे है दानिश भाई, लेकिन इनमें दो तरह के प्रिंट्स है। इसमें एक आपको ये टेक्चर प्रिंट मिलता है, और प्लस इसी के साथ जो है आपको सेम फैब्रिक्स में आपको प्लेन भी मिलेगा दानिश भाई। अच्छा ठीक है, फ़र्क सिर्फ टेक्चर और प्लेन का है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे मुख्तलिफ तरह के कलर्स, मुख्तलिफ डिज़ाइंस आपको मिलते हैं, ये टेक्चर प्रिंट कहलाता है। ये सारे इनके कलर्स हैं। इसमें जो है ये ट्विन वन है, इसमें आपको एक प्लेन मिलता है, और प्लस इसी के साथ जो है सेम फैब्रिक्स में आपको एक ये टेक्चर मिलेगा, लेकिन ये सेल्फ टेक्चर है, इसमें दूसरे कलर्स की कोई टचिंग नहीं है, एक ही कलर्स में जो है टेक्चर बना हुआ है सेल्फ प्रिंट पे। इनमें भी आपको काफ़ी मुख्तलिफ तरह के कलर्स मिलेंगे, प्लेन और प्रिंटेड दोनों आपको मिलेंगे। इसमें अक्सर कस्टमर की चॉइस होती है कि मतलब एक चीज़ हम प्लेन में बनाएं, एक सेल्फ में बनाएं, तो किसी भी तरीके से आप कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट बना सकते हैं, चॉइस आपकी होती है। इसमें भी कम से कम आपको 15 से 20 कलर्स मिलेंगे। सही, तो इससे पहले नॉर्मल क्वालिटी में जो आपको मैंने टेक्चर वेलवेट दिखाया था, अब ये मैं आपको हैवी क्वालिटी में जो है टेक्चर वेलवेट दिखा रहा हूँ। ये भी नर्सरी की ही बुक्स है दानिश भाई, ये भी वेलवेट में है, टर्किश वेलवेट कहलाता है। कपड़े की लाइफ टाइम गारंटी होगी, टेक्चर फिनिशिंग क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ तरह के कलर डिज़ाइंस मिलेंगे। ये सारी हैवी क्वालिटीज की चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ दानिश भाई, ये सारे इनकी कलर्स थीम है। और इसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ दानिश भाई, ये भी जैसे आपको मैंने दिखाया, ये भी मैसमोटैक्स की बुक्स है नर्सरी कलेक्शन की। ये फिर लेदर वेलवेट कहलाता है दानिश भाई। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा वेलवेट का वेलवेट ही है, लेकिन ये लेदर वेलवेट कहलाता है क्योंकि ये सबसे हैवी क्वालिटी का वेलवेट आता है। जैसे अगर आपको मैं बैग भी दिखा सकूँ, आप बैग भी इसका देख सकते हैं। कपड़ों की लाइफ टाइम इन चीज़ों की गारंटी होती है, क्वालिटी वाइज आप चेक कर सकते हैं। और ये 28 ग्रेड का बना हुआ कपड़ा है दानिश भाई, यानी वेलवेट में प्लेन कपड़ों में जितना भी वैराइटीज़ आते हैं उनमें सबसे हैवी क्वालिटी का वेलवेट ये आता है, ये लेदर वेलवेट कहलाता है। ये ज़रा सा टेक्चर में भी शुमार होता है, प्लेन में भी शुमार होता है, लाइट एंड डार्क शेड देता है ये लुक आपको, ये दोनों प्लेन टेक्चर दोनों लुक आपको देंगे। ठीक हो गया। और बाकी फॉर्म के बारे में बताएंगे, फॉर्म वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा यूज़ कर रहे हैं? फॉर्म इसमें जो है दानिश भाई, हमारा ज़्यादातर जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नॉर्मल काम हम करते नहीं दानिश भाई, लेकिन कोई कस्टमर अगर हमसे डिमांड करता है, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर पाता है नॉर्मल में उनको चाहिए होता है, तो उस वजह से हम कर लेते हैं ऑर्डर। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा हैवी काम है, फैंसी क्वालिटी वाइज हम काम करते हैं। जितनी भी आपको हमारे यहाँ से क्वालिटी मिलेगी हैवी में, अगर आप बनाते हैं अच्छी क्वालिटी में, उसमें हमारा मल्टी फॉर्म जो इसमें हमारा यूज़ होता है, जिसकी 15 साल गारंटी होती है कंपनी की तरफ से, उन चीज़ों की गारंटी होती है। उस हिसाब से फैब्रिक्स जैसे आपको मैंने दिखाया, फैब्रिक्स की भी गारंटी होती है, बाकी जो एसेस यानी जो जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है अच्छी क्वालिटी में, उन सब चीज़ों की गारंटी है। इस्तेमाल के बाद किसी भी चीज़ में, फैब्रिक्स में, एसेस में, फ्रेम में, फॉर्म में कोई भी मसला आए, कोई भी मसले मसाइल आए, तो आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी आपकी अपनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मार्केट से तो काम करते नहीं दानिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जितना भी आप सेटअप देख रहे हैं ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना काम है। फैक्ट्री जो है हमारी वो बैक साइड पे दानिश भाई, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको विजिट करवाते हैं, जहाँ पर हमारा सारा काम होता है, फ्रेम्स की कटिंग्स वगैरह और मजलिस फर्नीचर, सारा ए टू जेड काम जहाँ से हमारा होता है।